स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की गणित का थर्ड चैप्टर दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म का 9th क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, ट्रिए का। जिसे क्वेश्चन हमारा है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि कंडीशन दिया हुआ है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो तथा समपाती रेखाएं हो। देखिए, आपको एक समीकरण दिया गया है, एक समीकरण और ज्ञात करना है जिससे कि हमारा प्रति वो जो दूसरा समीकरण हमारा हो, एक दूसरे क्या करें, प्रतिच्छेद करें, और एक दूसरे क्या हो, समांतर हो तथा एक दूसरे क्या हो, समपाती हो। तो हम जानते हैं प्रतिच्छेद करने का कंडीशन क्या होता है हमारा, a1 / a2 ≠ b1 / b2। और समांतर होने का कंडीशन हमारा क्या होता है, a1 / a2 = b1 / b2 ≠ c1 / c2। तथा संपाती होने का कंडीशन क्या होता है, a1 / a2 = b1 / b2 = c1 / c2। आपको देखिए समीकरण नंबर 1 से अब दिया गया है 2x + 3y - 8 = 0। तो यहाँ से समीकरण नंबर 1 दिया है, तो इसे a1, b1 तथा c1 ज्ञात हो जाएगा। a1 का मान कितना है जी, 2। b1 का मान कितना है हमारा, 3। और c1 का मान कितना है, -8। देखिए, a1, b1 तथा c1 का मान आपको दिया गया है, लेकिन हमको a2, b2 तथा c2 का मान नहीं ज्ञात है, वही ज्ञात करेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं, हम लोग पहला सॉल्व करते हैं। क्या होता है, जब रेखाएं एक दूसरे क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। प्रतिच्छेद करने का कंडीशन क्या होता है, a1 / a2 का मान b1 / b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। a1 / a2 ज्ञात कर लेते पहले। a1 का मान कितना है, 2। a2 का मान हमको नहीं मालूम है, तो माना a2 का मान कितना है, 3। इन्हीं दोनों को आपस में एक्सचेंज कर देंगे। और b1 का मान हमको मालूम है, 3। अब b2 का मान क्या करेंगे, हम 2 रख देंगे, अपने से रखेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे a1 का मान अपने से रखे हैं, सॉरी a2 का मान अपने से रखें तथा b2 का भी मान अपने से रखें, क्योंकि हमको समीकरण क्या नहीं, हमको समीकरण बनाना है। अब देखिए, इन दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, a1 / a2 तथा b1 / b2 आपस में बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे, एक दूसरे क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। a1 / a2 ≠ b1 / b2 कंडीशन फॉलो कर रहा है। अब देखो, हमको समीकरण ज्ञात करना है, सेकेंड समीकरण। तो a1 का मान, a2 का मान कितना है हमारा, 3। उसके बाद क्या है हमारा, x है, x लिख देंगे, प्लस b2 का मान कितना है हमारा, है 2, 2, y है, y लिख देंगे। उसके बाद माइनस क्या आता है, c2 होगा, c2 की जगह कुछ भी रख सकते हैं, मतलब -8 है तो -7 रख दीजिए। तीनों क्या करना है, अलग अलग कर देना है, तीनों ही आपस में क्या हो, बराबर न हो। देखिए, इन दोनों को हम एक्सचेंज कर देंगे, a1 और b1 का मान एक्सचेंज, एक दूसरे को एक्सचेंज कर देंगे। देखिए, a1 का मान कितना है, 2, तो यहाँ पे कितना हो गया, a1 का मान 2 है तथा b1 का मान कितना है हमारा, सॉरी a1 का मान हमारा 2 है तथा b1 का मान कितना है, 3। तो हमारा a2 का मान हो गया है 3 और b2 का मान कितना हो गया है, 2। इन्हीं दोनों को आपस में एक्सचेंज कर देते हैं तथा c के मान को कोई भी कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी सी का मान लिख सकते हैं, -7 है, 7 लिख दीजिए। अब देखिए, हमारा सेकंड समीकरण हमको ज्ञात हो गया है। अब देखते हैं इसी प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हमको a1 का मान मालूम है, कितना ज्ञात किया है, 2 है। b1 का मान मालूम है कितना है, 3 है, तथा c1 का मान मालूम है कितना है, -8 है। अब हमको क्या कंडीशन अप्लाई करना है, यह वाला कंडीशन अप्लाई करना है। तो क्या करना है, a1 / a2 और b1 / b2 आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। तो a1 क्या ज्ञात है, लेकिन a2 का मान ज्ञात नहीं है, तो इसी का दुगुना कर दो, दुगुना कर दीजिए या तिगुना कर दीजिए या चार गुना कर दीजिए, मान में कोई फर्क नहीं होगा। दुगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। अब b2 का मान कितना हो जाएगा हमारा जी, 3 × 6। और c2 को वैसे ही रहने दीजिए, या तो -7 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, यहाँ पे क्या होगा जी, a1 / a2 कितना हो जाएगा, 2/4। जब इसे सॉल्व करेंगे, 1/2, 2 × 2 = 4। अब b1 / b2 हमारा कितना होगा, b1 का मान कितना है, 3, b2 का मान कितना है, 6, 3 × 3 = 6, 1/2। c1 / c2 का मान निकालेंगे तो c1 का मान कितना है, -8, और c2 का मान कितना है, -7, -7 कैंसिल, 8/7। अब यहाँ पे देखते हैं
A1 बटे A2 का मान B1 बटे B2 के मान के आपस में क्या है, बराबर, लेकिन C1 बटे C2 के मान के बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन अप्लाई हुआ ना। अब हमको समीकरण के ज्ञात करना है, तो समीकरण क्या होता है हमारा, A2x, A2 का मान कितना है हम माने 4x प्लस B2 का मान कितना है 6y माइनस C2 का मान कितना है -7 बराबर 0। सेकंड इसका हमको सेकंड समीकरण ज्ञात हो गया है। एक समीकरण आपको दिया गया है, तीनों का एक समीकरण आपको दिया गया है और तीनों का दूसर का समीकरण हमको ज्ञात करना है। देखिए करेंगे, एक बार पुनः देख लेते हैं हम लोग। A1 का मान C1 का मान आपको दिया है, A2 का मान B2 का मान C2 का मान आपको ज्ञात करना है। तो अब देखिए A2 का मान B2 का मान C2 का मान कैसे ज्ञात होगा। अब देखते हैं यह दोनों आपस में बराबर है, तो इसका दुगना कर दीजिए और इसका भी दुगना कर दीजिए, या तो सेम सेम रहने दीजिए, इसको भी दो, इसको भी तीन और इसको परिवर्तित कर दीजिए। यहाँ पे -8 है, यहाँ पे कर दीजिए -7 या -6, यह दोनों सेम सेम रहेंगे और यह क्या होगा अलग, तभी यह कंडीशन अप्लाई होगा। और तीसरा वाले में हमारा है, तीसरा वाला क्या है, A1 बटे A2 B1 बटे B2 और C1 बटे C2, इसमें क्या होगा, सब आपस में क्या है बराबर, या तो सबको दुगुना कर दीजिए या तो सबको तीन गुना कर दीजिए। देखिए A1 का मान हमको मालूम है कितना है 2, B1 का मान मालूम है 3 और C1 का मान मालूम है -8, तो दुगुना कर दीजिए या तिगुना कर दीजिए। दुगुना करेंगे तो कितना होगा 4, B2 का मान के दुगुना करेंगे तो कितना होगा 6, C2 का मान के दुगुना करेंगे -16। अब देख रहे हैं A1 बटे A2, A1 का मान कितना है 2 बटे 4, तो काट देंगे हम लोग 1 बटे 2। B1 बटे B2 ज्ञात करेंगे तो B1 का मान कितना है 3, B2 का मान कितना है 6, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 1 बटे 2। C1 बटे C2 ज्ञात करेंगे तो C1 का मान कितना है -8, C2 का मान कितना है -16, कट के -- कैंसिल, 8 कम 8, 8 दूनी 16, तो C1 बटे C2 बराबर कितना हो गया C1 बटे C2 बराबर 1 बटे 2। देखो तीनों कंडीशन में आपस में क्या हो रहा है, यह बराबर हो रहा है, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 हो रहा है। तो समीकरण क्या बनेगा, A2 का मान कितना है 4x प्लस B2 का मान कितना है 6, तो क्या लिखेंगे y माइनस C2 का मान कितना है -16 बराबर 0। यह कंडीशन लाने के लिए, संपाति होने के, संपाति का कंडीशन लाने के लिए हमको सेकंड समीकरण क्या बनाना पड़ेगा, यह हमको पहले समीकरण से क्या कर देना है, सबको तीनों A1 A2 का मान B2 का मान और C2 का मान आपस में क्या कर देंगे, दुगुना कर देंगे या तो तीन गुना हम कर देंगे। उसी प्रकार समांतर का A1 का मान और B1 का मान दुगुना करेंगे, ठीक है, C1 का मान दुगुना नहीं करेंगे, C1 का मान उतना ही रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें क्या होता है, प्रतिच्छेद वाले में हमारा होता है A1 का मान और B1 का मान आपस में क्या कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे। A1 का मान क्या हो जाएगा हमारा B2 का मान हो जाएगा, B1 का मान हो जाएगा हमारा A2 हो जाएगा। और दसवां क्वेश्चन है हमारा समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। सबसे पहला काम करना क्या है, इन दोनों समीकरण का क्या खींचना है, ग्राफ। आपको प्रीवियस वीडियो में ग्राफ खींचना बताया गया है और क्या बोला है कि यक्ष अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यक्ष अक्ष पर क्या बनेंगे, त्रिभुज बनेगा और त्रिभुजों को क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है तथा त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। मतलब जो त्रिभुज बन रहा है उसको क्या करना है, छायांकित करना है, मतलब कलरफुल करना है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10, समीकरण नंबर 1 क्या है, x - y + 1 = 0। हम इसमें से y का मान निकाल लेते हैं, इस साइड -y है, उधर जाएगा +y, इधर क्या बचा x + 1, और इसका हम लोग क्या बना लेते हैं सारणी, पहला में x दूसरा में y, कोई भी मान अपने से x का मान कुछ भी लीजिए y का मान आएगा। जैसे x का मान हम 0 रखें तो x है 0, 0 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 1 होगा, तो y का मान कितना आएगा 1 आएगा। और अगर हम 1 रखें तो 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, अगर x का मान कितना रखें 2 रखें तो 2 कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। इसका हम लोग सारणी ज्ञात कर लिए। अब सेकेंड जो समीकरण है उसका भी सारणी ज्ञात कर लेते हैं, क्या है सेकेंड समीकरण, 3x + 2y - 12 = 0। तो हम इसमें सर्वप्रथम क्या करेंगे, y का मान ज्ञात करेंगे, 2y इधर -12 उधर जाएगा, +12 इधर, +3x है उधर जाएगा -3x, 2 का गुणा इधर आएगा हमारा क्या हो जाएगा भाग 12 - 3x / 2। अब हम लोग इसका सारणी बना लेते हैं, पहले में x दूसरे में y।
अब देखते हैं यहाँ पे सर्वप्रथम की क्या रखेंगे कि हमारा आंसर पूर्ण संख्या के रूप में आ जाए। अगर जीरो रखेंगे, यक्ष की जगह जीरो रखेंगे तो क्या होगा, जीरो का गुणा तीन में होगा जीरो, और बारह में जीरो घटाएंगे कितना होगा बारह, और दो का भाग बारह में लेंगे कितना आएगा जी छः। हमारा देखिए यक्ष की जगह जीरो रखेंगे तो वाई का मान कितना आएगा छः, देख लीजिए हम लोग 3x बाई टू, यक्ष की जगह क्या रख रहे हैं जीरो रख रहे हैं, बारह माइनस तीन गुणे जीरो बटे दो, बारह माइनस तीन का किस संख्या का गुणा जीरो में तो क्या आता है जीरो, माइनस माइनस जीरो हो गया बाई टू, तो बारह में से जीरो घटाएंगे बारह बाई टू, दो का भाग बारह में कितना आएगा छः, तो वाई का मान कितना आ गया छः। अगर हम पहला ज्ञात कर लेते हैं मान, पहला मान ज्ञात हो जाता है तो दूसरा तीसरा मान आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो दूसरे मान में अब इसी में देखिए नीचे जो है उसी को इसमें जोड़िए और उसी को इसमें घटा दीजिए, दो जोड़ देंगे तो देखिए इसमें दो जोड़ेंगे जीरो में दो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा दो, तो तीन दूनी कितना हो जाएगा यक्ष की जगह क्या रखेंगे दो, तो तीन दूनी क्या आ जाएगा हमारा छः, बारह में से छः घटाएंगे छः और दो का भाग छः में देंगे कितना आएगा हमारा तीन। अब देखते हैं, अब हम लोग रखते हैं चार, चार रखते हैं तो चार रखेंगे तो चार तीन क्या हो जाएगा बारह, बारह में से बारह घटाएंगे जीरो और दो का भाग जीरो में देंगे क्या हो जाएगा हमारा जीरो, ये संख्या का भाग जीरो में से क्या हो जाता है जीरो। अब देखिए इन दोनों समीकरण का हम लोग सारणी बना दिए हैं, तो जब सारणी बन जाता है तो आधा काम हमारा क्या हो गया फिनिश, आसानी से हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। चलिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं, यह एक्स अक्ष होता है, यह क्या होता है एक्स डैश मीन्स माइनस, ये वाई अक्ष यहाँ प्लस होता है, नीचे क्या होता है हमारा माइनस। अब एक एक सेंटीमीटर पे हम ले लेते हैं, एक हो गया दो हो गया तीन हो गया चार हो गया पाँच हो गया छः, एक दो तीन चार पाँच छः, इधर भी ले लेते हैं एक एक दो तीन चार पाँच और छः, इन दोनों के बीच की दूरी क्या रहेगी हमारा सेम रहेगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो होती है हर जगह क्या रहती है समान रहती है, एक एक सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब देखते हैं हम इन लोगों का मान रखते हैं, पहले हम पहले समीकरण का जो साइडी बनाए हैं उसका मान इसमें रख देंगे, पहला क्या है जी हमारा जीरो वन, यक्ष का मान जीरो, जीरो मान कुछ नहीं, और वाई का मान कितना आ गया वन, वाई वाले में वन कहाँ है हमारा यही है, तो यही बिंदु हमारा क्या है जीरो वन, जीरो वन हो गया हमारा, यह बिंदु हमारा क्या है जीरो वन। अब हमारा सेकेंड कर रहे हैं, दूसरा क्या है वन टू, यक्ष का मान वन वाई का मान दो, वन वाले के सामने जाएंगे यक्ष का मान क्या है वन और वाई का मान कितना है दो, यक्ष के सामने जाएंगे और दो के बीच सामने, देखिए इन दोनों के सामने गए तो हमारा कहाँ मिला बिंदु यहाँ पे मिला, सेकेंड बिंदु हम लोग ज्ञात कर लिए यह है, और थर्ड बिंदु हमारा क्या है दो तीन, यक्ष का मान दो, अब दो वाले के ऊपर जाएंगे और तीन वाले वाई का मान कितना है तीन, अब दो के ऊपर जाएंगे और तीन के सामने हमारा कौन सा बिंदु प्राप्त हो रहा है यही, अब इन तीनों बिंदुओं को आपस में क्या कर देंगे मिला देंगे, तीनों बिंदुओं को आपस में क्या कर देंगे मिला देंगे, ये हमारा माइनस वन इधर है माइनस टू है, अब आगे देखिए मिलाकर आगे बढ़ा देंगे, यह पहले समीकरण का पहले समीकरण से क्या प्राप्त हुआ हमारा पहला रेखा प्राप्त हो गया, और दूसरे समीकरण से हमारा क्या प्राप्त होगा दूसरा रेखा प्राप्त होगा, और इन दोनों रेखाएं क्या बनाएंगे त्रिभुज। अब देखिए दूसरा समीकरण का मान इसमें रख रहे हैं, पहला क्या है जी जीरो छः, जीरो मान कुछ नहीं, अच्छा वाई का मान कितना है छः, वाई वाले छः हमारा कहाँ है बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु ज्ञात हो गया, और सेकेंड बिंदु हमारा क्या है दो तीन, दो तीन हम लोग ज्ञात किए हैं यही बिंदु है, और तीसरा हमारा क्या है चार जीरो, यक्ष का मान चार वाई का मान जीरो, यक्ष का मान चार हो गया वाई का मान जीरो मीन्स कुछ नहीं, तो यही बिंदु तीसरा बिंदु है चार जीरो, अब इन तीनों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे, हमारा ग्राफ तैयार हो गया, हमारा ग्राफ तैयार हो गया। अब देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में कि ग्राफ कीजिए, हमारा ग्राफ हो गया कंप्लीट। अब कह रहा है क्वेश्चन में यक्ष अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों का निशान ज्ञात कीजिए, यक्ष अक्ष पे जिस अक्ष की बात करता है उस अक्ष पे दो बिंदु रहेंगे, उस अक्ष पे दो बिंदु, जैसे यक्ष अक्ष है ना, यक्ष अक्ष पे कितने बिंदु है दो बिंदु हो गए, और इन रेखाओं से बने त्रिभुज, और इन दोनों रेखाओं से बन रहा है त्रिभुज को क्या करना है जी छायांकित करना है, और क्या ज्ञात करना है इसका निशान, छायांकित कर लिए हम लोग इसे, अब इसका निशान ज्ञात करिए, इसका निशान कितना है चार जीरो, इसका मान कितना है यक्ष का मान कितना है दो, वाई का मान कितना है तीन, इसका निशान ज्ञात होगा, और इसका निशान कितना है यक्ष का मान कितना है माइनस वन, वाई का मान कितना है जीरो, हमारा हल हो गया है।
इसी प्रकार 11वां क्वेश्चन है, आप लोग कर लेंगे और 12वां आसानी से आप लोग कर सकते हैं। आज का क्लास यही समाप्त होता है। थैंक यू।